ईडी का शिकंजा। संजय राउत पर कसता हुआ मुंबई ईडी ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा पुख्ता है। ईडी ऑफिस के अंदर पूछताछ का सिलसिला और बाहर सिक्योरिटी चाक चौबंद है। हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं किस तरीके से। इस बीच राउत के वकील भी पहुंचे हैं बंगले पर और राउत की पत्नी से भी ईडी पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है, ईडी की इंटेरोगेशन, ईडी के सवाल जवाब का सामना संजय राउत द्वारा हो रहा। ईडी के अधिकारी इस बीच राउत के घर और ये जो पूरा एक्शन मोड है ईडी का, संजय राउत के साथ वो जारी है, पूछताछ का सिलसिला जारी है। न सिर्फ संजय राउत के साथ बल्कि राउत की पत्नी भी इन सवाल जवाब का, इस पूरे इंटेरोगेशन का, पूछताछ का हिस्सा। तो सिक्योरिटी बेहद पुख्ता है राउत के, राउत के घर के बाहर भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, ईडी ऑफिस के बाहर भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। शिवसेना के समर्थकों का हुजूम भी उमड़ पड़ा और बीजेपी लगातार हमलावर मोड में है राउत पर। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर जिस तरीके से ईडी जो इनको समन्स भेज रहे थे, इंक्वायरी के लिए लेटर्स इनके घर तक पहुंच रहे थे, उनका आंसर इन्होंने दिया नहीं। कभी कहा कि मैं पार्लियामेंट सेशन में हूँ करके मुझे आगे की तारीख दीजिए, कभी कहा मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसके बाद मुझे तारीख दीजिए। तारीख वो ही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। पत्राचार के रिलेटेड हो, अलीबाग का सब्जेक्ट हो, और महाविकास अघाड़ी के एजेंट बन के ये संजय राउत जी काम कर रहे थे, और 25-30 कंपनियाँ ऐसी हैं जिसमें ये पार्टनर है और उनके साथ में मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो मुझे लगता है कि आज इनके घर में इंक्वायरी हुई है, और ये जो ट्वीट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी, महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें यही सिखाया है कि अन्याय के विरुद्ध में लड़ना कैसे कहते हैं और किसे कैसे करना चाहिए, उसके विरुद्ध में आज महाराष्ट्र की जनता जरूर लड़ेगी, और करप्शन जो करता है उसके विरुद्ध लड़ने वाली हमारी महाराष्ट्र की जनता है। मुझे लगता है हमारे महाराष्ट्र के और देश के अगर पैसों का दुरुपयोग कोई करता है तो उसके ऊपर सजा कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और ये कार्रवाई के बाद संजय राउत जी को अरेस्ट भी होंगे, वो जेल के पीछे भी जाएंगे। अगर इतने ही चरित्रहीन है, चरित्रवान है, तो मुझे लगता है आप इसके इंक्वायरी का सामना आपने पहले ही करना चाहिए था, इंक्वायरी में जाकर अपनी स्पष्टीकरण देना चाहिए था। महाराष्ट्र की जनता को, गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई अगर आप भ्रष्टाचार करके कमाते हैं और अवैध संपत्ति बनाते, तो इसका आंसर डिपार्टमेंट को पूरा राइट्स है पूछने का और आप पे कार्रवाई करने का, और आने वाले समय में उनको अरेस्ट भी किया जाएगा और जेल के पीछे भी जाएंगे। आज महाराष्ट्र मध्ये जी कारवाई झाली संजय राऊतांवर आणि जी इन्क्वायरी त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचलेली आहे, मला वाटते तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी के एक्शन पर आप सुन रहे थे नवनीत राणा को, सांसद नवनीत राणा को। ये जो एक्शन है तो पहले हो जाना चाहिए था कहना, इस पूरे एक्शन पर ईडी के राउत पर शिकंजा कसता हुआ और उस पर बोली है नवनीत राणा। जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई, पूछताछ ईडी की, सवाल जवाब ईडी के जारी है, उस पर नवनीत राणा ने खुलकर कहा कि ये तो पहले हो जाना चाहिए था। तो ईडी की टीम लगातार सवाल जवाब, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ईडी का एक्शन है उस पर नवनीत राणा ने क्या बोला वो हमने आपको सुनवाया। और इससे पहले संजय राउत को एक बार नहीं कई बार समन किया, संजय राउत ने उस समन पर जवाब नहीं दिया। इस बीच नवनीत राणा ने कहा राउत पर जो ईडी का एक्शन है भ्रष्टाचार के खिलाफ की जेल जाएंगे।